दोस्तों, अभी तक आपने देखा गायत्री देवी की बेटी हर्षिता और गायत्री देवी दोनों अपने बहू पर कितना अत्याचार करती हैं और उसे परेशान करती रहती हैं। अब आगे देखिए, अंजलि कई दिनों तक अपनी सास और ननंद का कहना मानती थी, पर धीरे धीरे उसे भी बहुत गुस्सा आने लगा। बहुत हो गया इन दोनों माँ बेटी का, अब नहीं सुनने वाली मैं इनकी। बहुत परेशान कर लिया इन दोनों ने मुझे। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाऊंगी आज। जाना ना बेटा, ठीक है ना, मैं तुम्हें अच्छे से तैयार तो कर दूँ। वो क्या है ना मम्मी जी, बोलो बेटा। वो मेरा ना ऑरेंज कलर का लहंगा धुलना है और उसे सुखाने जाना है, अब भाभी से बोल दो ना। हाँ बेटा, वो भाभी है ना इस काम के लिए, मैं बोल दूँ कि सब भाभी कर लेंगी बेटा, ठीक है ना। ओके मॉम। हाँ बेटा ठीक है, तुम चले जाना पार्टी में, मैं तुम्हें तैयार तो कर दूंगा। अरे मैं बुला लूँ, आप बोल देना। हाँ बेटा ठीक। भाभी 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 जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? वो क्या है ना, मुझे मेरी पिंक वो लहंगा है ना, उसे धुलकर सुखाना है, आप सुखा दो ना धुलकर। आपके क्या हाथ टूट गए हैं, आप खुद नहीं कर सकती? मम्मी इसे देख लो, ये बहुत मुझे आने लगी है, मैं इससे तमीज से बोल रही हूँ, इसलिए देखिए मम्मी जी ये सुन नहीं रही है। और देख लो मैंने फेस पैक लगा रखा है। फेस पैक लगा रखा है तो क्या करूँ, ये पैक वो पैक नीला पैक काला पैक लगाती रहती हूँ, धूप में बैठना इतना ही गोरा है। गोरा होना है तो विटामिन डी लो ना, उससे ज्यादा गोरे हो गए। तू बहुत मुझे लगी, अब तेरे से तमीज से बात नहीं करूंगी, मम्मी इसे समझा लो। क्यों रे बेटी, तू मेरी बेटी से ऐसे बात करेगी क्यों रे भाऊ? मैं सही तो बोल रही हूँ मम्मी जी, खुद जाकर नहीं धो सकती कि मैं दिन भर काम करती रहती हूँ। देखा नहीं रे, मेरी बेटी पापा भी जा रही है, उसका कर दो ना तैयार, तुम गुलाबी लेगा। मुझे नहीं करना, मैं काम कर रही हूँ। मम्मी जी मैं इसे बहुत तेज मारूंगी। तू सुनी ना मेरी बेटी ने क्या कहा, देखना तुम्हारा क्या हाल करेंगे हम, समझी ना दोनों माँ बेटी। आपको जो करना है वो करिए, मैं अभी काम कर रही हूँ, ठीक है? पहले हमारा काम करो तुम। कर लो जाओ उठकर महारानी, दिन भर बस सोती रहती हो। अब मैं मम्मी जी से समझा लो। तुम्हें अगर इतना ही गोरा होना है ना तो बाहर जाकर बैठो, दिन भर बस मेकअप करती रहती हूँ, तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। चेहरा होगा तेरा खराब, समझी ना मेरी बेटी के बारे में बोल मत देना, मेरी बेटी लाखों में एक है कैटरीना कैफ, समझी ना। हे भगवान, इन दोनों माँ बेटी को कैसे समझाऊं, जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों अकल से पैदल हैं। देखो मम्मी जी हमसे क्या बोलकर चली गई, लग तो ऐसा रहा है खुद ही अकल से पैदल हो। सही कह रही है, खुद ही पैदल है इसलिए ऐसी बात करती है, एकदम मूर्ख है। मेरी बेटी तो लाखों में एक है, बहुत ही सुंदर, और देख लेना जब लड़के वाले आएंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे मेरी बेटी को, इतनी सुंदर है लाखों में एक। वो तो मैम मुझे पता है, लड़के वाले मुझे एक ही नजर में पसंद कर लेंगे। हाँ बेटा सही कहा तुमने, अपनी तुम तो सुंदरता पे ध्यान रखो, ठीक है ना, उसकी बातों में बिल्कुल मत आओ। ओके मॉम, आप तो, कितनी क्यूट हो। वो तो है ही कमाल। मॉम बस मैं अपना फेस वॉश कर कर आती हूँ। बाय मॉम। और अपना ध्यान रखना सुंदरता। बाय मॉम। जा बेटा बाय। मॉम मॉम जरा भाभी को बुलाओ, मुझे स्टीम लेना है। अरे बेटा ये स्कीम क्या होता है? अरे मॉम वो स्कीम नहीं, स्टीम होता है, स्टीम। अच्छा बहू इधर आना बहू। A few moments later. Mom, इसको देखना, भाऊ के दिमाग नहीं मिल रहा है। अरे भाऊ इधर आना जल्दी से, काम मर गई, जल्दी आना। अरे आ रही हूँ ना। तो जल्दी आ जाया करना एक बार में। आती हूँ। मॉम अब इसके बहुत ढंग बिगड़ने लग रहे हैं। सही कह रही है बेटा, इसके बहुत ढंग बिगड़ गए, इसके बहुत ज्यादा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बहुत मूंछा लाने लगी है अब ये। बहुत ज्यादा मूंछा लाने लगी, बहुत ज्यादा। और इसने मेरा लहंगा धुल दिया क्या? पता नहीं, मैं पूछती हूँ। पूछ लेना आप उससे। हाँ पूछती हूँ मैं। अरे बेटा ये स्कीम क्या होता है बेटा? अरे मम्मी मैंने आपसे कहा ना स्कीम नहीं, स्टीम होता है वो, इससे ना मेरे चेहरे के पोर्स ओपन होंगे। अच्छा हाँ। पता बेटा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, क्या होता है स्कीम स्टीम स्टीम, पता नहीं है क्या कहते हैं। आप नहीं जानती हो ये सब। मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग से बाहर है। अरे क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू मेरी बेटी बोल रही है ना उसकी स्कीम कर दो, वो कब से चिल्ला रही है स्कीम कर दो स्कीम कर दो, तुम कर दो ना स्कीम उसकी है। अरे हर्षिता ये बार बार स्टीम लेने से चेहरा खराब हो जाएगा तुम्हारा,
कुछ काम कर लिया करो घर के, थोड़ा ग्लो हो जाएगा चेहरे। तुम मुझे समझाओगी? हाँ। थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लिया करो, काम कर लिया करो, बस दिन भर टीवी देखती हो, नहीं तो मेकअप की वीडियो देखती रहती। मम्मी इसे देख लो, अब ये ना आजकल बहुत मूंछा आने लग रही है। सही कह रही है बेटा, बहुत चलाने लग रही है। मैं तो कुछ भी बोलूं तुम्हें तो मुँह चलाना ही लगता है, मैं तो तुम्हारे बारे में सच ही बोलती हूँ। मम्मी आप इसे समझा लो, फिर मैं इसे मारूंगी ना तो ये सोच भी नहीं सकती कितनी तेज मारूंगी। ओके मैं लाती हूँ, कर लेना तुम। भाऊ ये तो बहुत मुँह चलाने लग गई बेटा अर्षता, पता नहीं इसको क्या हो गया, अब इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ खुद तो कुछ मेकअप मेकअप करना जानती नहीं है और मैं इसे बोलती रहती है गांव की गवार कहीं की मॉम, गांव की तो ऐसी ही रहती है। सही कह रही है, गांव की ऐसी ही रहती है, खाना पीना और सोना कुछ जानती नहीं, तैयारी क्या होती है, मेकअप क्या होता है, पार्लर क्या होता है, फेशियल हाँ। क्या होता है, उसे कुछ भी पता नहीं है। और ना पता है मॉम, इसने मेरी इयररिंग्स उठाई थी, छुड़का ली। बढ़िया रही बेटा, तुमने अच्छा किया उससे इयररिंग ले ली, कैसे पहन के घूम रही थी जैसे वैसे। मैंने ना ये ऑनलाइन ऑर्डर करे हैं, ये कैसे लग रहे हैं, 1000 से 1000 के ऐसा है, बहुत सुपर है बेटा, 1000 के है ना, वो ऐसे पहने थे उसमें जैसे कि उसके लेके आई थी वो दहेज में, उसने क्या जल्दी पहन ली उसने। हाँ, अच्छा किया बेटा तूने ले लिया, दहेज में तो वो कुछ भी नहीं लाई थी, लालची है उसके मायके वाले नंबर एक के। आपने वैसे उसको ज्यादा दहेज दे दिया। मैंने कहा दिया बेटा, मैं तो तुझे दूंगी दहेज, तेरा ही है सब कुछ, वो क्या लाएगी फटीचर कहीं की, आके तेरी इयररिंग पहन ले उसने, उसने कुछ नहीं उसका। हाँ, इसका उस घर में मॉम उसे बुला तो सही, पता नहीं कहाँ मर गई, उसने अभी तक मेरा स्टीम ऑर्डर नहीं मतलब तैयार नहीं किया। हाँ बुलाती हूँ बेटा। बहू बहू, अरे बहू कहाँ मर गई, जल्दी इधर आना, तूने देखा नहीं मेरी बेटी का स्टीम नहीं किया अभी तक, हाँ जल्दी आके उसकी स्टीम कर दो ना, आओ जल्दी। अरे क्या हुआ मम्मी जी, जब देखो तब अपना गला फाड़ती रहती हो, थोड़ा आराम भी दिया करो अपने गले को। देखना मम्मी जी ये कितनी मूंछा ला रही है, इसे समझा लो। सही कह रही है बेटा, और मेरी बेटी कब से कह रही है इसकी स्कीम कर दो, स्कीम कर दो, ये कब से चिल्लाती रहती है, तुम एक बार भी नहीं सुनती इसका। मुझे नहीं करना स्कीम कर दो, मैं क्यों करूँ इसकी स्कीम, ये खुद नहीं कर सकती। अरे वो अभी छोटी है, तुम नहीं कर सकते, तुम बड़ी है। मुझे नहीं करना कोई तुम्हारा स्कीम, स्कीम खुद ही कर लो, तुम्हारे के हाथ टूट गए। नहीं तुम ही करोगी अब, मुझे नहीं करना, मुझे वैसे घर में बहुत सारे काम है, तुम ही कर लो खुद, भगवान ने दो हाथ दिए हैं तुम्हें और दो पैर दिए, उनका कुछ इस्तेमाल कर लिया करो, इनमें ऐसी बैठी रहो ना तो जंग लग जाएगी। देखो मम्मी जी कितना सुना कर गई आपसे, उससे कुछ बोलती नहीं बनना, जाओ उस पे चिल्लाओ। मम्मी मैं खुद ही कर लेती हूँ अपना स्टीम और अपना मेकअप, ठीक है कर लो बेटा कर लो। हाँ। बाय मैं जा रही हूँ। तुम भी करना सीखो, क्या करें वो मुझे तो आता है मम्मी, वो तो मैं करवाती हूँ। कर लो बेटा कर लो, वो क्या है, वो तो खुद मुँह चला कर चली गई, गांव की गमार, उसने देवी तमीज नहीं है कि क्या बोलते हैं, बड़न से क्या रखते हैं इज्जत बड़े छोटों की ससुराल में। हर्षिता रोज रोज अपना मेकअप करके स्टीम लेके अपने चेहरे को खराब कर लेती है, बहुत सारे केमिकल्स दिन ब दिन लगाने से उसके चेहरे पर रिएक्शन होने लगता है। और वहीं अंजलि दिन में घर के बहुत सारे काम कर करके उसका बॉडी भी फिट रहती और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगा। अरे अर्षिता बेटा आना। अरे बेटा ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, और जाओ अच्छे से तैयार हो जाओ, लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे मॉम क्या हुआ मेरे चेहरे को? तैयार हो गया, जाओ लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ठीक है? ओके मॉम, वैसे मैं मेकअप तो करती हूँ, बाय। और अच्छे से तैयार हो जाओ, जाओ। अरे बहन जी कैसी लगी हमारी बेटी तुमको? बेटी तो बड़ी सुंदर है आपकी, मुझे तो ना ये रिश्ता मंजूर है।
मुझे तो बहुत ज्यादा भाग गई है आपकी बेटी, आप तो जल्द से जल्द शादी कर दीजिए। मुझे भी बहुत मंजूर है। बेटा तुम्हारी शादी पक्की हो गई है और तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। बेटा आप इससे क्यों बोल रही हो, बेटी तो आपकी बहू है ना, मुझे पसंद तो वो आई है। अरे वो तो हमारी बहू है। ठीक, मैं इस काली कलूटी से अपनी बेटी की शादी करूंगी। इसका मुंह देखा है कितने जोर से, कितना गंदा हो रहा है काला, और इसके मुंह पे कितने सारे पिंपल्स हो रहा है। मैं तो नहीं करने वाली इससे अपनी बेटी की शादी। वो तो बहुत सुंदर है, डर और जाएगा देख के इसको। अरे वो तो बहुत सुंदर है, काली कहाँ से है वो। मैं तो नहीं करने वाली ऐसी लड़की से मेरी बेटी की शादी। क्यों निकल, तुम्हें पसंद आ रही है ये? नहीं मम्मी, इसको कहीं ले जाने में, चार लोगों के सामने ले जाने में। अरे क्या खराबी है मेरी बेटी लाखों में, इसमें क्या खराबी है? अच्छा आपको बेटी अच्छी लगती है, आपकी बेटी भी जरा एक बार उसको चेहरा दिखा देना उसका, आईने में पता चल जाएगा उसको भी कि वो कैसी लगती है। देख देखो कैसे सर नीचे कर रही है मम्मी। हम तो नहीं कर रहे इस लड़की के साथ, हमें तो पसंद ये लड़की आई थी, हमने सोचा ये है आपकी बेटी, से शादी कराओगे। वो तो हमारी बहू है, वो तो पहले से शादी शुदा है। बेटी तो हमारी है, ये बहुत सुंदर है बहन जी। तो गलती हो गई बहन जी, हम नहीं कर सकते ये। अरे वो अंदर से तो बहुत अच्छी है, भले दाग है तो क्या होगा। मम्मी कितनी काली है ना ये। हाँ बेटा, नहीं बेटा बहुत अच्छी है, बेटा कोई नहीं करेगा शादी। अरे घमंडी है तुम्हारे, ऐसा मत करो मेरी बेटी, बहुत लड़की है बेटा, ऐसा मत करो। नहीं नहीं बहन जी, हम इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते ऐसी काली कलर। तुम दही में जो मांगेंगे वो दे देंगे हम, मगर हम ये रिश्ता स्वीकार कर लो, ठुकरा कर मत जाओ बहन जी। वाली बात नहीं है, नहीं बेटा वो तो हमारी बहू है, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, रिश्ता मत ठुकराओ बेटी। माफ कीजिए बहन जी, हम ये शादी नहीं कर सकते। अरे बहन जी ऐसा मत करो। नहीं हम तो उसी से करेंगे। नहीं हम कहीं करेंगे, हम तुम्हारी चाय भी नहीं पी रहे, हम तो उसी से करेंगे। के लायक नहीं रहेंगे बेटा। अरे बहन जी रहने दीजिए, बस भी कीजिए। अरे बेटा तुम्हारी कोई छोटी बहन नहीं है क्या? है ना मेरी छोटी बहन, वो बहुत पढ़ी लिखी भी है और बहुत समझदार भी है। अच्छा बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ की हो? हम उमली के है। अच्छा तुम गाँव की हो। हाँ कोई बात नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे घर जरूर आएंगे मेरे बेटे का रिश्ता लेके। कहाँ मेरा बेटा इंजीनियर और कहाँ इस काली कलूटी के साथ शादी करती हूँ, मेरी तो किस्मत ही फूट जाती। बेटा हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे, ठीक है ना? चलिए चलते हैं। चलो बेटा चलो। चलो मम्मी, अपना तो टाइम ही वेस्ट हो गए यहाँ पे आके। राम राम। अरे बहन जी। अरे हाँ मैं एक बात तो कहना भूल ही गई। अरे क्या बहन जी? आपकी इस काली कलूटी सी लड़की के लिए ना कोई काला लड़का देख लेना, अच्छी जोड़ी जमेगी, कोई निकलने वाला है। हर्षिता का रिश्ता कैंसिल होते ही हर्षिता का घमंड एक ही सेकंड में पूरा चकनाचूर हो गया। देखा हर्षिता, मैंने तुमसे बोला था ना ज्यादा मेकअप लगाने से चेहरा खराब हो जाता है, अब देख लिया नतीजा तुमने। हाँ भाभी तुमने सही कहा, अब मैं कभी भी ज़्यादा मेकअप नहीं लगाया करूँगी और आपकी बात माना करूँगी और आपके काम में हेल्प करवाया करूँगी, मुझे हाँ। माफ़ कर दो, ठीक है? हाँ बहू मैं भी तुम पे बहुत अत्याचार करती थी, हर समय चिल्लाती रहती थी, काम बताया करती थी, अब मैं तुम पे कभी भी नहीं चिल्लाया करूँगी और मैं भी तुम्हारी मदद किया करूँगी, काम में हेल्प करवाया करूँगी, ठीक है? ठीक है ना, आप आज से हम मिल कर रहेंगे और तुम भी हिल मिल कर रहना, ठीक है ना बेटा? भाभी से अच्छा व्यवहार करना, अच्छे से बर्ताव करना, भाभी अच्छी है तो तुम अच्छे हैं तो भाभी अच्छी है, दोनों बहनें जैसी रहना, ठीक है ना? और क्या, तुम भाभी के साथ अच्छा रहोगी तो तुम्हें अच्छा रिश्ता आएगा, भाभी जैसी तुम बन जाओगी, ठीक है ना? हम मिल मिल के रहा करेंगे, ठीक है ना? अब हर्षिता भी अपनी भाभी के हर काम में मदद करवाने लगी और कुछ ही दिनों में हर्षिता के सारे दाग काले धब्बे सब गायब हो गए और हर्षिता पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर देखने लगी।